गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 23, रूट sec theta plus 1 upon sec theta minus 1 is equals to, मैं आपको क्या प्रूव करना है, cot theta plus cosec theta। तो वही फ्रॉम LHS, LHS क्या है अपने, रूट sec theta plus 1 upon sec theta minus 1। अब देखिए इसमें LCM लेने के लिए अपने पास नेक्स्ट टर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ भी नहीं होता वहां अपन क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो अपन इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज। देखिए रेशनलाइजेशन का अपन क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी अपने LHS क्या थी, sec theta plus 1 upon sec theta minus 1। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय रूट, अब यहां देखिए डिनोमिनेटर में माइनस का साइन था तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, प्लस का। तो अपोजिट साइन वाले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई किया रूट sec theta plus 1 upon sec theta plus 1। तो देखिए क्या बना, रूट sec theta plus 1 और sec theta plus 1 क्या हो जाएगा, sec theta plus 1 का होल स्क्वायर। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, sec theta minus 1 एंड sec theta plus 1 क्या हो जाएगा, a plus b, a minus b, a plus b और a minus b क्या होगा, a square minus b square। तो a की प्लेस पे क्या आ रहा है, sec theta और b की प्लेस पे क्या आ रहा है, 1। तो a square का मतलब sec square theta minus 1 का square क्या होगा, 1। अब देखिए ये तो क्या रहा, root sec theta plus 1 का whole square upon, अपन जानते हैं identity से sec square theta क्या होता है, 1 plus tan square theta। तो sec square theta की जगह मैंने क्या लिखा, 1 plus tan square theta। अपन ने आइडेंटिटी देखी थी ना, cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta and sec square theta is equals to 1 plus tan square theta। तो sec की प्लेस पे मैंने क्या लिखा, 1 plus tan square theta minus 1 का 1। अब देखिए ये 1 plus का और ये 1 minus का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां क्या रहा, root sec square theta, sec theta plus 1 का whole square upon tan square theta। अब देखिए रूट से स्क्वायर क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो क्या आ रहा है मेरे पास, sec theta plus 1 upon tan theta। अब देखिए ये tan theta sec के नीचे भी है और इसे 1 के नीचे भी है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, sec theta upon tan theta plus 1 upon tan theta। अब देखिए sec theta तो क्या होगा, 1 upon cos theta upon tan theta को अपन क्या लिखेंगे, sin theta upon cos theta plus, अपन जानते हैं 1 upon tan theta क्या होता है, cot theta। अब देखिए cos से cos कैंसिल, तो यहां क्या रहा, 1 upon sin theta plus cot theta। 1 upon sin theta क्या होता है, cosec theta plus cot theta। तो क्या बन गई अपने LHS से RHS। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 24, 1 plus cot theta tan theta bracket sin theta minus cos theta upon sec cube theta minus cosec cube theta इज इक्वल्स टू, में आपको क्या प्रूव करना है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो वही अपन पहले sin और tan और cot को sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट करने से जो वेरिफिकेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखिए 1 का तो 1 plus cot थीटा को अपन क्या लिखेंगे, cos थीटा plus sin थीटा plus tan थीटा को अपन ने क्या लिखा, sin थीटा upon cos थीटा और sin थीटा minus cos थीटा as is। अपॉन में देखिए sec cube theta को क्या लिखेंगे, 1 upon cos cube theta minus cosec cube को क्या लिखेंगे, 1 upon sin cube theta, क्योंकि sec theta तो क्या होता है, 1 upon cos theta और cosec theta क्या होता है, 1 upon sin theta। नेक्स्ट देखिए इनका अपन क्या ले लेंगे, LCM। अब अपन इसको LCM के थ्रू क्या करेंगे,
तो इनकी प्लेस पे रखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा एज इट। अब देखिए अपन जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डी। तो ए माइनस बी का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा था, यहाँ पर अपॉन में साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा है। तो देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल, यहाँ थ्री साइन थे एक साइन कैंसिल हो गया तो कितने रहे साइन की पावर टू थीटा। ऐसे ही यहाँ कॉस क्यूब थीटा था, एक कॉस क्यूब थीटा से एक कॉस क्यूब थीटा कैंसिल तो क्या रहा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास अपॉन में क्या रहा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये अपन ने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी बनाई। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और ये थर्ड फ्लोर वाला कहाँ चल जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे, तो क्या ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ क्या रहा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, अब ये यहाँ पर क्या रहा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इस वाले पूरी टर्म से तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन से वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर क्या रहा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये प्रूव करना था तो ये अपने एनालिसिस से क्या आ गई आरएचएस। ये अपने क्वेश्चन नंबर 23 और 24 कंप्लीट हो गए हैं, इनको आपको पेयर में करना है और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी है रफ नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।